Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं SOF Olympiad Foundation से Science SOF National Science Olympiad 2024-25 Class 2 के questions paper with solution लेकर आई हूँ, जिसमें logical reasoning से 5 questions रहते हैं and फिर science से रहते हैं and last achiever section से questions रहते हैं. तो चलिए start करते हैं. पहला है हमारा logical reasoning, question number 1. Which of the following object is the longest? इसमें से longest object कौन सा है? तो ये हमारा देखकर ही पता चल रहा है, y जो है longest object है, ये सबसे बड़ा है. यहाँ पे इस तरह आप measurement भी अलग अलग कर सकते हैं. Next question number 2. Select the figure from the option is which the given figure exactly embedded as one of its parts. ये जो part है किसमें embedded हो रहे हैं पूरी तरह से. तो ये part देखिए इस तरह का और ये इस तरह सेफ है, ये हमारा बी में एम्बेडेड हो रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन पैटर्न. ये चार चार फिगर लेके पैटर्न बनाया जा रहा है. ये चार फिर ये चार, तो ये पैटर्न बना हुआ. तो इसमें ये थर्ड वाला सेफ अखरोट जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क की तरह हो जाएगा. तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे अखरोट होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ की इज द कॉल्ड ब्रश, ब्रश इज कॉल्ड नेल कटर, नेल कटर इज कॉल्ड सेफ्टी पिन, देन इज द जनरली यूज टू अपॉन अ लॉक. लॉक को खोलने के लिए क्या यूज किया जाता है? की. और की को हम क्या कह रहे हैं? ब्रश. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following types of line not used to draw in given shape? इसमें कौन सा ऐसा लाइन है जो ड्रॉ नहीं किया गया? देखिए पहला आपका वर्टिकल लाइन होता है, ये इस प्रकार का होता है. कर्व लाइन, ये वाला आपका कर्व लाइन हो गया. हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज हॉरिजेंटल लाइन. और ये हो गया आपका स्लैंटिंग लाइन. तो पहला ऑप्शन जो है वर्टिकल लाइन जो है ये यूज नहीं किया गया. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 6. सुमीध इज द डिसेंडिंग डिस्क्राइबिंग द प्लांट दैट ही हैज सीन इन द फील्ड. इसने फील्ड में खेत में एक प्लांट देखा है जिसको डिस्क्राइब इसने किया है. इट इज द प्लांट विथ वीक स्टीम. एक प्लांट है जिसकी स्टीम वीक है एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर ग्रो कर रहा है. इट जनरली बियर्स हैवली फ्रूट, और वहां उसमें बहुत भारी फ्रूट्स मिलते हैं. तो आइडेंटिफाई द प्लांट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. क्या होगा? कोरिएंडर, ग्रेपवाइन, मिंट या मुस्क मिलन. करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मुस्क मिलन. नंबर 7. रेफर द नेम्स to few item given in the box. Brown gram, pista, almond, turmeric, cashew, cinnamon, bay leaf. How many of them are eaten as dry foods, nuts? Nuts, dry foods के रूप में इसमें से कितने का सेवन किया जाता है? तो पहला हो जाता है आपका पिस्ता, almond, cashew. ये तीन चीज को जो है nut या dry foods के रूप में use किया जाता है. तो correct answer हो जाएगा option B का 3. क्वेश्चन नंबर 8. मैच द कॉलम एंड द कलेक्ट द ऑप्शन कॉलम 1 एंड कॉलम 3. इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन किस कॉलम में हो रहा है. तो चलिए इसको हम ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले नीचे में. यहां पर कैमल जो हो जाता है सीप ऑफ डेजर्ट. कैमल क्या है? सीप ऑफ डेजर्ट. एंड चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है. एंड जिराफ, एक मिनट, जिराफ टॉलेस्ट लैंड एनिमल. एलिफेंट, एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड एनिमल. एंड लॉयन किंग ऑफ द जंगल. तो ये इस प्रकार मैच हो गया जो इसका ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें सेलेक्ट करना है. द ड्रंक एनिमल लाइक काउ एंड बफेलो इज यूज टू मैन्योर, दिस इज करेक्ट. एंड एनिमल लाइक एलिफेंट एंड जिराफ आर कॉल्ड बिट्स ऑफ बर्डन, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी. अब चूंकि ऑप्शन बी में ही हमें आंसर मिल जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम में टाइम भी मैटर करता है, बच्चों को एक घंटे का ही टाइम यहाँ पर दिया जाता है. तो यहाँ पर हम इसको आगे नहीं बढ़कर यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग फूड, इसमें से एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है, फिश एग राइस बोथ बी एंड सी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राइस. क्वेश्चन नंबर 11. Starting from the second letter, strike out every alternate letter to obtain the name and part of the body. ये जो word दिया गया है उसमें से second letter से start करते हुए हमें हर alternative letter को cross कर देना है. उसके बाद हमें बताना है कि कौन सा body का part जो है ये हमें दिख रहा है. और फिर now select the correct statement regarding जो हमारा word बन रहा है वो हमारा statement क्या हो रहा है. तो हमारा word क्या बन रहा है, M U S C C L E S muscles, ये वर्ड बन रहा है हमारा मसल्स. अब मसल्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ए दे हेल्प अस टू नो वेदर द साउंड इज लाउड और प्लीजेंट, ये सही नहीं है, हमें स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढना है. They help us to think and memorize, wrong. Their total numbers of our body is around 300. Our facial expressions are controlled by them. Correct answer यहाँ पर हो जाता है option D. Muscles के द्वारा हमारा facial expression control किया जाता है. चलिए next question number 12. Select the odd one out on the basis of type of the house. इसमें से टाइप ऑफ द हाउस दिया गया है, इसको अलग कौन है इसमें से ये हमें बताएंगे. ए ये कैनवार हो गया, ये बोट और ये हो गया आपका हट झोपड़ी. तो ए बी सी ये तीनों आपका टेम्प्रोरी हाउस है जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जबकि हट जो है परमानेंट हाउस है जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 13. Unscramble the given letters. Unscramble the letter and select the option give us name of its obtained from sir. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सर बन रहा है, बी हो जाएगा, ये हो गया ऑप्शन आपका कॉटन. सी ओ डबल टी ओ एंड कॉटन. क्वेश्चन नंबर 14. इफ ईगल्स ऑफ रावणा अलोंग टू रावण अलोंग विथ मेघनाथ एंड कुंभकर्ण आर ब्रंट ड्रोइंग, रावण को मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ कौन से फेस्टिवल में जलाया जाता है. वेरी सिंपल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दशहरा. नंबर 15. इन इंडिया समाधि ऑफ द फादर ऑफ नेशन इज कॉल्ड, समाधि फादर्स ऑफ नेशन किसे कहा जाता है, बापू जी को कहा जाता है. तो समाधि जो फादर ऑफ नेशन का जो समाधि कहाँ पे है, राजघाट पे, महात्मा गांधी. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर हम बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी क्लास सेकेंड के मैथ के भी मैंने क्वेश्चन 2024-25 के पेपर सॉल्व करके डाले हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख सकते हैं. साथ ही मैंने क्लास फर्स्ट और थर्ड की भी डाली है तो आप इसे देख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार मोटिवेट करते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. रीड द गिवन कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा एंड रिचा एंड सेलेक्ट द
करेक्ट ऑप्शन। मनीषा बोल रही है वी शुड नेवर प्ले नियर लेक एंड पॉन्ड। मनीषा कह रही है हमें लेक और पॉन्ड के पास नहीं, कभी नहीं खेलना चाहिए। एंड रिचा क्या कह रही है, वी आर सर्टेनली प्ले और हाइड इन द डार्क और आइसोलेटेड प्लेसेस सो दैट नो वन कैन फाइंड अस। ये कह रही है हमें सर्टेनली प्ले ऐसा करना चाहिए कि हाइड खेलने के लिए हमेशा हमें डार्क प्लेसेस पे या आइसोलेट जहाँ कोई आता जाता ना हो वैसे प्लेसेस पे हमें छुपना चाहिए ताकि हमें कोई भी फाइंड नहीं कर सके। तो ये क्या कह रही है, गलत कह रही है और ये सही कह रही है और ये रॉन्ग कह रही है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट देखना है। बोथ मनीषा एंड रिच आर करेक्ट, नो। बोथ मनीषा एंड रिच आर इनकरेक्ट, नो। सी, मनीषा इज करेक्ट बट रिचा इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग रन ऑन अ ट्रैक, ट्रैक पर कौन सा ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा रन करता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ऑटो, ट्रेन, सी, एरोप्लेन, कार। ऑप्शन है हमारा ए और ई। ए तो होता है और ई हमारा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। बी और सी नहीं है, तो करेक्ट आंसर सिर्फ हमारा जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ओनली, ट्रैक यानी ट्रेन जो है सिर्फ ट्रैक पर चलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली, ट्रेन ट्रैक पर, ट्रेन की जो ट्रैक बनी रहती है उस पर सिर्फ ट्रेन चलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। रोशनी एंड हर मदर हैव गॉन टू बी मार्केट बट रोशनी मदर्स कुड नॉट फाइंड द पार्किंग स्पेस टू पार्क हर कार। विच रोड साइन शुड रोशनी टू फॉर द हेल्प फॉर मदर। रोशनी और उसकी मदर मार्केट जाती है और उसकी मदर को पार्किंग स्पेस नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर कार को पार्क करना है। तो रोशनी इन साइन, कौन से साइन के द्वारा अपनी मदर्स को बताएगी कि कार कहाँ पार्क करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पी मतलब पार्क। नंबर 19। आइडेंटिफाई द प्रोसेस शो इन द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, सही है, वाटर चेंज हो रहा है यहाँ पे। वाटर देखिए पानी में रखा हुआ आफ्टर 6 आवर्स के लिए किया गया है और यहाँ वाटर कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर चेंज वाटर वेपर बन जा रहा है यहाँ से। नेक्स्ट है द प्रोसेस लीड ऑफ रिड्यूस ऑफ वाटर लेवल आफ्टर 6 आवर्स, ठीक है 6 आवर्स के बाद इसका ये रिड्यूस हो रहा है। एंड सनलाइट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द बीकर एंड बस द वाटर लेवल रिड्यूस इन इट, नो दिस इज नॉट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए एंड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द प्रोसेस शो इन द गिवन पिक्चर एंड द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं 19, अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड डैश रोटेट फ्रॉम डैश टू डैश ऑन इट्स ओन डैश। इट्स रोटेशन causes day and night, it also revolves around the dash on the fixed path called dash। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन फिलअप होगा, तो यहाँ पे हो जाता है पहला है अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस अराउंड डे एंड नाइट, इट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन and fixed path is called orbit। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू गिवन पिक्चर्स। ये इमेज में जो दिया गया है कौन से स्टेटमेंट से, द ऑप्शन ए द मून रोटेट्स अराउंड इट्स एवरी डे, बी द रन The sun rotates around its everyday, C it is a pattern formed in the sky by the group of stars, and D it is visible in the sky only
when it is new moon? Correct answer है option C, it is a pattern formed in the sky by the group of stars. Question number 22. Which of the following character is true for non-living things? Non-living things के लिए कौन सा statement इसमें सही है? Non-living things, it can reproduce, no. It can grow reversely, it can fill, no. It can breathe, no. Correct answer हो जाएगा option B, it can grow reversely. Number 23. Select the correct pair of non-living things. Non-living things के लिए correct pair कौन सा होगा? Boat and bed. Option A ही यहाँ पर correct हो जाता है. तो आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है. चलिए next question number 24. Refer the given diagram and select the option is correctly identify X and Y. अब यहाँ पर देखिए B वाला जो है दोनों से connect है. It is bird और it eaten at spice. यानी X बर्ड्स हैं, वुड्स हैं और इसको स्पाइस के रूप में खाया जाता है और Y एक फ्रूट है और इसे भी एक स्पाइस की तरह खाया जाता है. तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा D, क्लब चिली. क्लब भी स्पाइस है, चिली भी स्पाइस है और क्लब वुड्स की तरह है जबकि चिली फ्रूट्स की तरह है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. रिफर टू नेम्स ऑफ द फ्रूट गिवन हिज बॉक्स. मैंगो, पोमेग्रेनेट, ग्वावा, चेरी, पिच, ग्रेप्स. ये ग्रुप नेम्स दिए गए फ्रूट्स के. अब आगे हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं. हाउ मेनी अमंग देम आर मेनी सीडेड फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन ट्री. इसमें से कौन से मेनी सीडेड फ्रूट हैं जिसके अंदर बहुत सारे बीज हैं और वो पेड़ पर ग्रो होते हैं. इसमें से कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, कितने इनमें से ऐसे फ्रूट हैं जिसके अंदर बहुत सारी बीजें होती हैं, सीड्स होते हैं और वो पेड़ पर ग्रो होता है. तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 2, जिसमें पोमोग्रेंट एंड गुआवा. ये दोनों जो है पेड़ पर होते हैं और इनके अंदर बहुत सारी बीजें होती हैं. क्वेश्चन नंबर 26. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉजी. जैसे काउ और हर्ट जिस तरह कनेक्ट है उसी प्रकार ट्रॉप से कौन सा यहाँ पर एनिमल है जो कनेक्टेड है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंकी, मंकी ट्रॉप. क्वेश्चन नंबर 27. Unscramble the given letter and obtain the name of community helper. Now select the option and correctly identify the tools that is the community helper is. इसमें से ये कौन सा letter बन रहा है और हमें ये बताना है. आपको hints दिया जाता है कि ये एक helper है हमारे. ये helper मतलब तो कुछ हमारी मदद करते हैं. helper इससे कौन सा ऐसा word बन रहा है और ये कौन से tools का use करते हैं. तो यहाँ पे word ये बन रहा है C A R P E N T E R, कारपेंटर. कारपेंटर वर्ड बन रहा है और इससे इनके टूल्स हो जाते हैं ऑप्शन बी, ये टूल्स का उपयोग करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म द फर्स्ट एड बॉक्स. फर्स्ट एड बॉक्स इसमें से कौन सा हो जाता है, इरेजर, घड़ी, थर्मामीटर या. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, थर्मामीटर. 29. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन. इसमें से स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें बताना है कौन सही है. सी वाटर इज एग्जैक्टली सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. मोस्ट ऑफ द वाटर एंड अर्थ इज प्रेजेंट लेक्स एंड रिवर्स. ऑल लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट प्लांट नीड एयर टू ब्रेथ इन एंड डी एयर डज नॉट हैव वेट बट इट फिल्स अप स्पेस. सेलेक्ट द करेक्ट वन. इसमें से ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, एयर डज नॉट हैव वेट बट इट फिल अप स्पेस. क्वेश्चन नंबर 30. रीड द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली वेन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. इट इज द टाइप ऑफ रिसेप्शन, यस या नो. एंड वाई के लिए कहा जा रहा है एंड इट ऑकर्स टू सॉलिड फ्रॉम, यस या नो. तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है डी, हेल एंड एजेंट.
अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है अचीवर सेक्शन, जिससे कि 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं, जिसमें से 5 आपका लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, बाकी साइंस के क्वेश्चन और एंड लास्ट 5 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन से रहेंगे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन से यहाँ पे 2 मार्क्स रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड, वर्ड ग्रिड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा वर्ड। अ थ्रोनी प्लांट डेट बियर सेट इट्स फ्रूट्स, तो यहाँ पर थ्रोनी प्लांट क्या है, यहाँ पे ये है लेमन। एक मिनट फिर से इसको मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज लेमन, यहाँ पर ऑप्शन ये हो रहा है लेमन, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। रेफर टू द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन डेट डायरेक्टली आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। टाइप्स ऑफ एनिमल दिया गया, वल्चर रैबिट एंड पिग। अब इसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा एनिमल किसके अंडर ग्रुप में आता है। बैठो आ रहे हैं 2 मिनट। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, स्कैवेंजर हर्बिवर्स एंड ओमनिवर। वल्चर हो जाता है स्कैवेंजर, रैबिट हर्बिवोर एंड पिग ओमनिवोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई पी एंड एस। यहाँ पर इंटरनल ऑर्गेन प्रेजेंट इन पेयर एंड कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड बाय द रेविकेस, इसके अकॉर्डिंग हमें पी क्यू आर एस बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लेग हार्ट किडनी एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 34। सॉल्व द गिवन क्रॉसवर्ड पजल्स एंड द ऑप्शन इज नॉट हिडन इन इट, यूज इन फ्लेवरिंग द फूड एंड नाइदर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट नॉर एनिमल्स, जो कि प्लांट और एनिमल्स किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाए यूज द फ्लोरिंग फूड्स एंड बी हो जाता है ड्राई फ्रॉम दिस फ्रूट टू इटन एंड ड्राई फ्रूट, यहाँ पे हो जाता है ड्राई फ्रॉम द दिस फ्रूट मोर देन आवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ आवर डाइट एंड अ प्लांट डेट एल्ड कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के रूप में हमारा डी है, यहाँ पर हो जाता है मस्टर्ड ऑयल, एम ए एस टी ई डी मस्टर्ड ऑयल हो जाता है एंड डी यहाँ पे ये आ जाता है मोर देन हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट कंसिस्ट ऑफ दिस पेयर ऑफ डाइट, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे हो जाता है ये सॉल्ट, एस ए एल टी सॉल्ट हो गया एंड ये हमारा हो जाता है वाटर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ड्राई फ्रॉम दिस फ्रूट ईटन बाय ड्राई फ्रूट। ये ऑप्शन हमारा इससे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन। रिफर टू द गिवन फैमिली ट्री एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। तरुण एंड कावेरी दो हस्बैंड वाइफ है, इनके 3 बच्चे हैं पुनीत कबीर एंड रमन। ये की के रूप में दिया गया है, ये मैन है और राउंड शेप में है जो वोमेन है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 इनके बच्चे हैं, तीनों आपके बेटे हैं पुनीत कबीर एंड रमन। फिर पुनीत और रेनू के एक बेटा एक बेटी है, इनके फिर 2 बेटी और 1 बेटा है और इनकी 1 बेटी है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है ये स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर हो रहा है राशि इज द सोना कजन एंड द वाइल्ड टीयर रुद्र एंड सोना सिप्लिंग। इसको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।